maximum livelihood opportunities in the rural areas by spending more on livelihood, agriculture, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के और बेहतर मौके देने के लिए, अधिकतम मौके देने के लिए सरकार और ज्यादा प्रयास कर रही है। 2018-19 में इसके लिए ग्रामीण आजीविका के लिए 5,550 करोड़ रुपए का हम प्रावधान किया गया है। From extra budgetary and non-budgetary resources of rupees 11.98 lakh crores. Apart from ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिलाकर 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 321 crore per person days. इससे 321 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। 51 लाख ग्रामीण मकान बनाए जाएंगे। 1.88 करोड़ शौचालयों का निर्माण होगा। कृषि को बढ़ावा देने पर हम साथ साथ जोर दे ही रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात और सामाजिक सुरक्षा की बात। Provide opportunity to every Indian to realize her full potential, capable of achieving. सबको ये मौका देना चाहती है कि उनको वो realize कर सके कि उनमें कुल क्षमता कितनी है। And protection program to reach every household of old widows, orphan children, divyang and जहां दिव्यांग हैं, जहां गरीब बूढ़ी महिलाएं हैं, जहां अनाथ बच्चे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा को दायरे में लाया जाए, इसकी कोशिश भी भारत सरकार कर रही है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत ये काम किया जा रहा है। हम बच्चों को स्कूल ले जाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। 20 लाख चिल्ड्रन हैज बीन कंडक्टेड टू असेस द स्टेटस ऑन द ग्राउंड। इसके लिए एक नेशनल सर्वे कराया गया था जिसमें 20 लाख बच्चों का अध्ययन किया गया था। एजुकेशन, we now propose to treat education holistically without segmentation from pre-nursery to class 12. हम pre-nursery से लेके 12वीं तक education को पूरा एक समग्र रूप में देखना चाहते हैं, इसको टुकड़ों के रूप में नहीं देखना चाहते। इससे शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो सकेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकेगा। शिक्षकों की जो क्वालिटी है उसको भी हम सुधारना चाहते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण की में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये स्थिति बड़ी नाजुक है। शिक्षा के क्षेत्र में हम डिजिटल इंटेंसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर ओन एनवायरनमेंट। आदिवासी क्षेत्रों को उन्हीं के परिवेश में, उन बच्चों को उन्हीं के परिवेश में सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का कौशल का विकास हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। अब हमने तय किया है कि 2022 तक सभी ऐसे ब्लॉक जहां आदिवासी रहते हैं वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का गठन किया जाएगा। ये एकलव्य स्कूल सर्वोदय विद्यालय की तर्ज पर होगा। एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बड़ी पहल कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन राइज बाय 2022 विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीस 1 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे जाने का प्रस्ताव है। फंडिंग दिस इनिशिएटिव, राइज इसका नाम है। 2022 तक राइस को लॉन्च किया जाएगा। इसमें पब्लिक क्षेत्र के और प्राइवेट क्षेत्र के, दोनों क्षेत्र के संस्थाओं को लिया जाएगा। वडोदरा में अलग से रेलवे यूनिवर्सिटी का गठन होगा।
schools of planning and architectures to be selected on a challenge mode. Additionally, 18 new schools of planning and architecture would be established in the IITs. IIT के तहत 18 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जो प्लानिंग और आर्किटेक्चर से संबंधित होंगे. Prime Minister's Research Fellows Scheme this year. Under Prime Minister Research Fellow Scheme की शुरुआत भी हम इस साल से करने जा रहे हैं. Premier institutions and provide them with facilities to do PhDs in the IITs and the Indian छात्रों का चयन करेंगे जिनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको फेलोशिप दी जा सके. वुड वॉलंटरली कमिट फ्यू आवर्स एवरी वीक फॉर टीचिंग इन अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नाउ आई कम टू द हेल्थ सेक्टर. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ माय गवर्नमेंट. ओनली स्वस्थ भारत कैन बी समृद्ध भारत. इंडिया स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है. Without its citizens being healthy, भारत तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक स्वस्थ ना हो. इस दिशा में हम दो बड़े पहल करने जा रहे हैं. Aimed at path breaking interventions to address the health holistically in primary, secondary and tertiary care systems covering both prevention and health promotion. इसमें प्रिवेंशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और हेल्थ की प्रमोशन पर भी ध्यान दिया जाएगा. आयुष्मान भारत दैट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एज फाउंड एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम. दीज 1.5 नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2017 में भी इस तरह का काम किया गया था जिसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए थे. ये 1.5 लाख ऐसे सेंटर हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लोगों को के करीब तक पहुंचेंगे. लोग इनकी का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे. फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. इसमें मुफ्त में दवाई भी दी जाएगी और जांच का काम भी मुफ्त में होगा. 1,200 करोड़ रुपए हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए रखे जाएंगे. फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर थ्रू द CSR एंड द फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस इन अडॉप्टिंग दीज सेंटर्स. मैडम स्पीकर, वी आर ऑल अवेयर that lakhs of families in our country have Adhyaksh to borrow or sell assets to receive indoor treatment in hospitals. हम जानते हैं कि भारत में अस्पतालों में जो भर्ती होते हैं मरीज, उनके स्वास्थ्य पर हजारों लाखों रुपया आम आदमी का खर्च होता है. अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें गरीब परिवारों को शामिल किया गया है. also implemented and supplemented health protection schemes by providing varying coverages. बहुत सी राज्य सरकारों ने भी इसमें अपनी तरफ से मदद की है. हेल्थ केयर प्रोटेक्शन टू अ न्यू एस्पिरेशनल लेवल. मैडम दिस इज इंपॉर्टेंट. वी आर नाउ लॉन्चिंग अ फ्लैगशिप नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत की जा रही है जो ऐसे वंचित और जरूरतमंद गरीब परिवारों तक पहुंचेगी, उनको कवर करेगी. ऐसे करीब 10 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ा जाएगा इस नई योजना के साथ. बाय प्रोवाइडिंग देम अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर. 5 लाख रुपए प्रति फैमिली प्रति वर्ष दिए जाएंगे. दिस विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. जब हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उनके केयर के में काम आएंगे. ये पूरी दुनिया भर में अपनी तरह का सरकार की तरफ से फंड किया गया हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम है. मैडम स्पीकर, मैडम 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी. मैडम स्पीकर, These two far-reaching initiatives, Madam Speaker, in दो बड़े कदमों से आयुष्मान भारत प्रोग्राम और आयुष्मान भारत प्रोग्राम से न्यू इंडिया 2022
इससे 2022 में न्यू इंडिया का जो हमारा मिशन है उस दिशा में हम काफी कुछ पहल कर पाएंगे। इन दो योजनाओं से लाखों के क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हम का जो हमारा लक्ष्य है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को ज्यादा रोजगार इस क्षेत्र में मिल सकता है। Tuberculosis claims more lives टीबी से every year भारत में हर साल infectious disease अन्य बीमारियों के मुकाबले ज्यादा मौतें होती हैं। My government has therefore decided to allocate rupees 600 crores to provide nutritional support to all TB patients at the rate of rupees 500 per month for the duration of their treatment. 600 करोड़ रुपया दिए जाने का हम प्रस्ताव कर रहे हैं। Accessibility of quality medical education and healthcare will be setting up 24 new शिक्षा है और हेल्थ केयर है, इसमें गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हस्पतालों को का गठन होगा और कुछ को अपग्रेड किया जाएगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड भी करिए जाने की पूरे भारत भर में हमारी योजना है। तीन संसदीय क्षेत्रों में इस ढंग से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो पाएगी। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर विलेजेस वी विल लॉन्च अ स्कीम गांव को हम खुले शौच से मुक्त कराना चाहते हैं। बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोबर धन फॉर मैनेजमेंट गोबर धन की हम एक नई योजना ला रहे हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी करेगा और पशुओं के जो मलमूत्र है उसको गैस और सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम भी होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से 5.22 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है। सुरक्षा बीमा योजना 13 करोड़ 25 लाख पीपल हैव बीन इंश्योर्ड विद पर्सनल एक्सीडेंट कवर। 13 करोड़ 25 लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के से जुड़े हैं। द गवर्नमेंट विल वर्क टू कवर ऑल पुअर इसमें 12 रुपए का प्रीमियम प्रति वर्ष ही रखा गया है। भारत सरकार सभी गरीब लोगों को गरीब परिवारों को इसके तहत लाने का प्रयास कर रही है और एक मिशन मोड के तहत यह काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने बैंक अकाउंट खोले गए हैं इंश्योरेंस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पेंशन स्कीम्स उन सबको भी कमिटमेंट टुवर्ड्स बेटी बचाओ बेटी जोड़ा जाएगा। असंगठित क्षेत्र के जो रोजगार के क्षेत्र है उनके साथ मिला के लॉन्च्ड इन जनवरी 2015 हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस अंटिल नवंबर 2017 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारी कामयाब रही है। opened across the country in the name of the girl child securing an amount of 1.26 करोड़ अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम पर देश भर में खोले गए हैं लड़कियों के नाम पर। एंड इट इज आवर फर्म कमिटमेंट दैट गंगा की सफाई हमारे लिए एक राष्ट्रीय जरूरत है। इसके तहत 187 योजनाओं को स्वीकृति मिली है नमामि गंगे परियोजना के तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए 16.71 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके तहत भी 47 प्रोजेक्ट को कंप्लीट पूरा कर लिया गया है। गंगा के किनारे बसने वाले 4,465 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। Society, the government has identified 115 aspirational districts taking various indices of the development in consideration. The government aims at सरकार ने 115 ऐसे जिलों की पहचान भी की है जहां पर सरकार स्किल अपग्रेडेशन क्वालिटी में सुधार करना चाहती है। जो लोग जिस ढंग से जी रहे हैं उसमें सुधार करना चाहती है और उनको जो सर्विस मिल रही है उसमें सुधार करना चाहती है। वित्तीय समग्रता और ढांचागत विकास मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इसमें
इसको भी शौचालयों के निर्माण के साथ जोड़ा जा रहा है। 115 ऐसे जिले हैं जिसके लिए हम माना जा रहा है कि ये विकास के मॉडल साबित हो सकते हैं। एलोकेशन इन द एससीज इन द 279 प्रोग्राम्स फ्रॉम ₹34,334 इन 16-17 टू 52,719 इन 17-18। लाइकवाइज फॉर एसटीज द ईयरमार्क एससी और एसटी के लिए भी जो पैसा रखा गया उसमें हम वृद्धि करने जा रहे हैं। एससी के लिए 34,000 करोड़ 16-17 में रखे गए थे और इसे बढ़ाकर 52,719 करोड़ रुपए 17-18 में किया जा रहा है। इसी तरह एसटी के लिए 21,000 करोड़ थे जिसे बढ़ाकर 32,508 करोड़ किया गया है। 9,135 करोड़ फॉर एसटीज इन द बीई ऑफ 2018-19। गवर्नमेंट एस्टिमेटेड schematic budgetary expenditure on health, education and social protection for 18-19 at 1.38 lakh crores against an estimated 83 lakh crore रुपया कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। Expenditure is likely to go up by at least 15,000 crores in 18-19 on account of the additional allocations during the year and the extra budgetary expenditure including through the higher education financing agencies. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य योजनाओं में जो हमने नए पहल किए हैं इससे 15,000 करोड़ का और ज्यादा इसमें मुनाफा हो सकता है। Enterprises are a major engine of growth and employment. लघु और मझोले उद्योग रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़े साधक है। कैपिटल एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन इनोवेशंस मास फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑफ एमएसएमईज इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा बिजनेस के क्षेत्र में और ज्यादा विकास हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मास नॉर्मलाइजेशन हुआ है। And the requirement including the working capital. It is proposed to onboard public sector banks and corporates on the trade electronic receivable discounting system platform and link this with the GSTN. मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। Prompt decision making by the banks. Government will soon announce measures to effectively address the non-performing assets and the stressed accounts of the MSMEs. बैंकों के NPA assets हैं, non-performing assets हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ नई बातें सामने रखने जा रही है। Ease the cash flow challenges faced by them. In order to reduce the tax burden on the MSMEs and to create a large number of jobs, I will be announcing some measures in Part B of my speech. The Mudra Yojana launched की वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए उनका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसको पार्ट बी के अपने बजट भाषण में मैं और ज्यादा विस्तार से रखूंगा। मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था, इसके तहत 10.38 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। 76% जो कर्ज लेने वाले हैं वो महिलाएं हैं और इसमें से भी 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एससी या एसटी वर्ग को से आते हैं। In the previous term, the non-banking financial companies stepped up financing of the MSMEs. का लक्ष्य मुद्रा योजना के तहत रखा गया है। मुद्रा योजना के तहत 4.6 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। Financing policy and eligibility criteria set up by the Mudra will be reviewed for better refinancing of the MSMEs. Use of fintech in financial space will help the growth of the MSMEs. A group of in the Ministry of Finance is examining the policy and the institutional development measures needed for creating the right environment in the fintech companies to grow in India. Venture capital funds and angel investors need an innovative and special development and regulatory regime capital in their growth. Funds, venture capital front और जो निवेशक हैं वो एक अलग इनोवेटिव एक माहौल चाहते हैं और इनको विकास से कैसे जोड़ा जाए। For the special nature of the VCFs and the angel investors, we will take additional measures to strengthen the environment for their growth and successful operation of the alternative investment fund in India.
क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेटिंग जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन एट द कोर ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग। भारत सरकार की पहल रही है कि वो रोजगार सृजन के ज्यादा मौके पैदा कर सके। These measures include contribution of 8.3 युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया की स्थापना 3 साल पहले की गई थी। contribution of 12% to EPF, रोजगार सृजन हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु है। by government sector employing large number of people such as people like textile, leather and footwear, additional deduction to employees of 30% of wages paid for employees under the income tax act, launch of national apprentice scheme and stipend and support and sharing of the cost of the basic training by the government to give training to 50 lakh youth by 2020, introduction system of fixed term employment for 2020 tak prashikshan diye jane ki yojana hai, paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks along with maternity leave jo paid maternity leave hai usko 12 hafte se badhakar 26 hafte kiya gaya। An independent study conducted recently has shown इसके कुछ नतीजे, सुखद नतीजे भी आने शुरू हुए हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।